नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का सवाल है। क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए। दूसरा है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू प्लस के एक्स प्लस ए। तीसरा है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू प्लस के एक्स। चौथा ऑप्शन है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के नॉट एक्स प्लस के वन एक्स स्क्वायर। हमें दिया हुआ है कि के नॉट, के वन और ए सारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। नाउ बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक्स अपने यहाँ एसएचएम के क्लियर होने चाहिए। कुछ किताबों में इसका आंसर और सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो एक काम करते हैं, चारों ऑप्शन एक एक करके इवेलुएट करते हैं। मैं उनके पीछे आपको रीज़न समझाता हूँ। पहला ऑप्शन है, अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलेरेशन ए जो है वो दिया है अपना माइनस के टाइम्स एक्स प्लस ए। इसको मैं ए लिख रहा हूँ, कांस्टेंट ए, छोटा ए हम एक्सेलेरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ ये अपने को एक्सेलेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। हमें ये पता है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसकी वैल्यू माइनस के एक्स, अगर ये फॉर्मेट है, ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर ये फॉर्मेट है तो आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है x इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट। ये आपकी मीन पोजीशन होएगी और पार्टिकल ऐसे ऐसे करके पहले इधर गया फिर इधर फिर इधर, इस मीन पोजीशन के अबाउट आपका a एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए, इसके बीच में आपका एसएचएम करता है। नाउ इस केस में ये जो अपनी ए नॉट की वैल्यू है, इसको अगर मान लीजिए हम इस फॉर्मेट को लिखें, क्या इसको हम एक्स नॉट कह देते हैं, तो अपना एक्सेलेरेशन का फॉर्मेट। अच्छा, इसी को एक्सेलेरेशन की टर्म में अगर लिखना चाहें तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के, इसको एक्सेलेरेशन लिखें, के बाई एम एक्स, यानी कि ये ए विल बी इक्वल टू माइनस, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, बट इस सवाल के लिए हम इसको के डैश कह लेते हैं, एक्स। ये आपका एक्सेलेरेशन का फॉर्मेट है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। के डैश जो है वो के बाई एम की वैल्यू हो गई। नाउ ये अगर है तो आपका, ये अगर एक्सेलेरेशन है तो इस प्रकार आपका एस एच एम होएगा। एस एच एम की मेन पोजिशन होएगी आपकी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अगर इस एक्सेलेरेशन को हम स्लाइटली डिफरेंटली लिखें, हम इसको लिखें एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू माइनस के, ये जो आपका x प्लस ए नॉट है इसको हम मान लीजिए x नॉट कह दें, तो आपका एक्सेलेरेशन की फॉर्मेट हो गई x इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। नाउ ये आपकी एसएचएम की कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में आपका जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो पे ना होके माइनस ए नॉट पे जाके यहाँ पे आपका एसएचएम ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इस जगह पे आपका पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो फॉर्मेट है आपका, ये एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके फोर्स का ये टाइप या एक्सेलेरेशन का ये टाइप अगर है तो आपका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नाउ एक एक करके बाकी तीनों को भी इवेलुएट कर लेते हैं। सो ए राइट आंसर हो गया अपना। तो बाकी तीनों को भी एक बार चेक करते हैं। सो बाकी जो कंडीशन दी हुई है अपने को, ऑप्शन नंबर बी है, अपने को दिया हुआ है एक्सेलेरेशन की फॉर्मेट है और प्लस के एक्स प्लस ए नॉट, ये वाली फॉर्मेट है। अगेन ये आपका एसएचएम का फॉर्मेट नहीं होएगा, बिकॉज जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है वो पार्टिकल को वापस मेन पोजीशन की तरफ नहीं लेके आएगा। आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तो आपका हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। अभी क्योंकि यहाँ पे प्लस के एक्स का फॉर्मेट है तो ये आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है ए इज इक्वल टू प्लस के एक्स। अगेन ये फिर एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, फॉर द सिंपल रीज़न कि ये के एक्स का जो फॉर्मेट हो गया है ये फिर आपका मीन पोजीशन की तरफ रीडायरेक्टेड नहीं है फोर्स। ऑलराइट, तो ये आपका है या एसएचएम, ये दो नहीं है। सिमिलरली आपका जो चौथा वो ऑप्शन है ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट के वन एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर के टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये फिर एसएचएम नहीं है, अगर सिर्फ इतना फोर्स होता तो एसएचएम होता, लेकिन क्योंकि ये आपका एक्स स्क्वायर की टर्म और आ गई, सो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये फोर्स हमेशा आपका रीडायरेक्टेड हो मेन पोजीशन की तरफ। तो हेंस वी कैन से ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।